बर्फीले और दुर्गम पहाड़ों पर छिपे देश के दुश्मनों को तलाशना अब मुश्किल नहीं होगा। ये सब आईआईटी के स्टार्टअप इंडियोर एयर के हेलीकॉप्टर की मदद से आसान होगा, जो बनाया गया है आईआईटी कानपुर में। कैसे, इस रिपोर्ट में देखिए। देश में लगातार प्राकृतिक आपदाएं आती रहती हैं, जहां मदद के लिए सेना को बुलाया जाता है, और कई ऐसे दुर्गम क्षेत्र होते हैं जहां सेना को रेस्क्यू करने में दिक्कतें आती हैं। ये दिक्कतें तब और बढ़ जाती हैं जब बर्फीले और दुर्गम पहाड़ों पर छिपे देश के दुश्मनों को सेना को तलाशना पड़ता है। लेकिन अब सेना की ये मुश्किल कम हो सकती है और ये संभव होगा आईआईटी के स्टार्टअप इंडियोर एयर के हेलीकॉप्टर यानी कि यूएवी की मदद से, जो किसी भी मुश्किल मिशन को आसानी से पूरा कर सकेगा। सेना को ध्यान में रखकर बनाए गए हेलीकॉप्टर का प्रयोग मेडिकल किट पहुंचाने और रेस्क्यू में भी किया जा सकता है। आईआईटी कानपुर द्वारा बनाए गए इस लाइटवेट सर्विलांस यूएवी का नाम है विभ्रम, जो देश के दुश्मनों पर नजर रखने के साथ साथ आग लगने और दूसरी आपदाओं के समय जान बचाने के काम भी आ सकेगा। आईआईटी का लाइटवेट हेलीकॉप्टर विभ्रम 7 किलोग्राम तक की भारी वस्तुओं को 50 किलोमीटर तक ले जा सकता है। विभ्रम के उड़ने और उतरने का तरीका बिल्कुल बड़े हेलीकॉप्टर की तरह ही है। ये अपनी कैटेगरी में देश विदेश में मौजूद हेलीकॉप्टरों में से सबसे ज्यादा समय यानी कि 4 घंटे तक उड़ान भरने की काबिलियत रखता है। आईआईटी के एयरोस्पेस इंजीनियरिंग विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक प्रोफेसर अभिषेक की देखरेख में इसे तैयार किया गया। अभिषेक के मुताबिक डिजाइन भी सेना को ध्यान में रखते हुए किया गया। इसमें मेडिकल किट बॉक्स के साथ सीबीआरएनई सेंसर, लिडार तकनीक के अलावा कई अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी का प्रयोग हुआ। लिडार तकनीक के माध्यम से पहाड़, नदी या पेड़ होने के बावजूद ये जमीन की हकीकत को जान सकेगा। ये एक मानव रहित अनमैन्ड हेलीकॉप्टर है जो पेट्रोल से चलता है। इसकी खासियत यह है कि ये एक सिंगल रोटर के से पूरी तरह संचालित किया जाता है और पेट्रोल ईंधन से ये पावर्ड होने के कारण 3 से 4 घंटे तक लगातार उड़ान भर सकता है। तो अगर आप बाकी ड्रोन से कंपेयर करें तो नॉर्मली जो इस कैटेगरी साइज के जो ड्रोन होते हैं वो अधिक से अधिक 1 घंटे तक उड़ान भरने में सक्षम होते हैं। ये अभी वैक्सीन के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि दूर दराज के इलाके जहां आपको कोरोना वैक्सीन को ट्रांसपोर्ट करना आसान नहीं होगा, वहां ये जाके 20 मिनट के अंदर, आधे घंटे के अंदर जाके डिलीवर करके आ सकता है। इतना ही नहीं, ये दुर्गम इलाकों में कोरोना वैक्सीन जैसी मेडिसिन पहुंचानी हो या फिर 26 जनवरी को दिल्ली के लाल किले में हुए हंगामे की घटनाओं पर नजर रखना हो, विभ्रम इन जिम्मेदारियों को बखूबी निभाने में सक्षम है। इस हेलीकॉप्टर का प्रदर्शन इंडियन एयर शो में किया गया, जहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सेना के कई बड़े अधिकारी मौजूद थे, जहां सभी ने इस नए आविष्कार की सराहना की, साथ ही इस हेलीकॉप्टर की बारीकियों को भी जाना। इस शो में 4 किलो के इस हेलीकॉप्टर को देखने की उत्सुकता सभी में नजर आई। वैसे बनाने वाले प्रोफेसर अभिषेक के मुताबिक इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि हेलीकॉप्टर -20 से 50 डिग्री सेल्सियस के बीच आसानी से काम कर सकता है, यानी कि सियाचिन से लेकर राजस्थान के रेगिस्तान में अपनी सुविधाएं दे सकेगा। यही वजह है कि रक्षा मंत्री के अलावा विदेशों के वैज्ञानिकों ने भी इसमें काफी रुचि दिखाई है। आपको बता दें कि पीएम मोदी अक्सर अपने भाषणों में युवाओं को नए आविष्कारों के लिए प्रेरित करते हैं और युवाओं से ये अपील करते हैं कि युवा आम जनता की जरूरतों को ध्यान में रखकर नए नए आविष्कार करें। प्रधानमंत्री मोदी की अपील पर आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर अभिषेक खरे उतरते हुए नजर आ रहे हैं। स्पेशल डेस्क टोटल न्यूज़।